नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज उन्नाव। एक मनचले ने दिनदहाड़े घर में घुसकर दुष्कर्म करने का किया प्रयास। प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 दिन पूर्व की घटना है कि रात के लगभग 8 बजे घर का स्वामी दुकान पर गया हुआ था। उसी समय पड़ोस का रहने वाला राजेश पुत्र सोनेराल, जो की बहुत दबंग किस्म का व्यक्ति है, वह लड़की को अकेला देख घर में घुस गया और प्रार्थी की पुत्री से अश्लील करते कहने लगा। पीड़िता के मना करने पर उसने बलात्कार की नीयत से पीड़िता के सरवा का नारा तोड़ दिया और यह कहकर भाग खड़ा हुआ कि अगर किसी से बताया तो गोली मार देंगे। इतने में पीड़िता चिल्लाने लगी। शोर सुनकर दूसरे कमरे में खाना बना रही भाभी और देवर बचाने दौड़े तो वह धमकी देता हुआ भाग खड़ा हुआ। पीड़ित के परिजन जब अभियुक्त के घर पर शिकायत करने गए तो पूरे परिवार की पिटाई की गई। भाग जाओ नहीं तो जान से मार देने की धमकी भी दी गई। पीड़ित कोतवाली बांगरमऊ में तहरीर देकर न्याय की अपील की है। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम देविका है। कहाँ रहती हो? सर मैं चाला में रहने वाली हूँ। क्या हुआ था आपके साथ में? सर मेरे साथ में ये हुआ था, सर मैं कपड़े अपने घर में फोल्ड कर रही थी और मेरी भाभी खाना बना रही थी। मेरे पापा सर इनको चोट लगी हुई थी तो वो थे नहीं, कहीं गए थे। हाँ, और सर राजेश नाम का लड़का आया था, पहले तो मेरे साथ सर बदतमीजी कर रहा था और फिर उसके बाद में मैं उससे बोलने लगी, भैया ये क्या कर रहे हो? तो मेरे से बोलने लगा चुप रहे। हाँ सर, उसके बाद में मेरे साथ में सर मेरे सलवार का सर नारा ही खोल दिया था तो मैं चिल्ला पड़ी थी। तब तक सर मेरी भाभी भी दौड़ के मेरे साथ में आ रही थी। उसके बाद भी मुझे मारने, जब मैं चिल्ला पड़ी तो मेरे से बोलने लगा तो चुप हो जाओ वरना मैं तुझे गोली से मार दूंगा। फिर भी सर के बाद आप थाने आई थी सर? क्योंकि सर उसके घर वालों ने सर मुझे धमकी दी थी मारने के लिए पूरे घर से, और बोले क्योंकि सर उसने बोले थे कि अगर तूने कहीं पर जाके किया जाके तो फिर मैं तुझे सीधे मरवा दूंगी। बोले थे कि ऐसे थाना अदालत मेरी जेब में ऐसे हो रहे थे। नहीं, बांगरमऊ थाने आप आई थी कि नहीं आई थी? सर जब झगड़ा पहले हुआ था तब मैं आई थी, मगर सर जब मेरे साथ में हुआ था तब उसने मुझे गोली उसे मारने की धमकी दी थी, तब सर मैं नहीं आई थी। तब मुझे सर मेरे पापा ने जैसे ना तैसे करके मुझे उन्नाव लेके गए थे, वहाँ पे एप्लीकेशन डलवाई। सर मैं एक एक दिन गिर रही थी कि क्या मेरा इंसाफ मुझे कभी मिल पाएगा। और सर जब आज रात को पुलिस आई थी तब मुझे लगा कि हो सकता है मुझे भी इंसाफ। मेरी लड़की को वो पकड़ के खींच के ले जा रहा था अपने घर के तरफ, पिसाली को भीतर खींच लो। एक आदमी और था, वो मेरी लड़की भी नहीं पहचान पाया ना मैंने पहचाना। गलत नीयत से आपकी लड़की को छेड़ा है? हाँ, पकड़ा था। अच्छा, तो आपने यहाँ थाने में जो है कोई कार्रवाई के लिए दिया था यहाँ पे? कार्रवाई हम 14 तारीख को मारे गए, हम बेहोश पड़े रहे 2 दिन यहाँ सर। जब हमारी यहाँ कुछ नहीं थी और यहाँ उनके सब कोशिश पर भी हमारी तो बांगरों में थाने में आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? हाँ, तब हम लड़की के साथ जब 15 तारीख हुआ तब हम उन्नाव गए, हमारी कोई सुने नहीं। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।